हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बीएड एंड टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज के लिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं और अगर आपको कोई वीडियो सर्च करना है तो आप यहां पे जाके सर्च कर सकते हैं, और जाते जाते बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। थैंक यू। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पेडागॉजी के बारे में कि पेडागॉजी होती क्या है। तो ये बहुत बेसिक टॉपिक है किसी भी टीचिंग एजुकेशन में या टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम में, चाहे वो बीएड हो, एमएड हो या डीएलएड हो या कोई भी प्रोग्राम हो टीचर से रिलेटेड या टीचिंग फील्ड में हो, तो आपको पता होना चाहिए कि पेडागॉजी होती क्या है। तो बहुत सिंपल मैनर में पढ़ेंगे, आपको बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। तो पढ़ते हैं इसके बारे में, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो। एवरीथिंग इज फ्री, फिर भी सब्सक्राइबर 80% हैं, मतलब 80% ऐसे लोग हैं जो कि बिना सब्सक्राइब किए ही चले जाते हैं, और वीडियो पे लाइक तो बहुत कम ही आते मेरे। चलो कोई बात नहीं, अगर आप लाइक करोगे तो अच्छा लगता है, मोटिवेशन की तरह काम करता है। चलो तो पेडागोजी के बारे में पढ़ते हैं। पेडागोजी को इसी तरह से प्रोनाउंस करते हैं, पेडागोजी, कहीं इसको पेडागोगी भी कहते हैं, तो डजेंट मैटर, चीजें बस याद होनी चाहिए। तो ये जो वर्ड है, ये जो पर्टिकुलर वर्ड आया है, वो है आया है पेडागॉग से। पेडागॉग का मतलब होता है लीडर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। और ये पर्टिकुलर वर्ड आया कहाँ से है, ग्रीक हिस्ट्री से आया है, ठीक है। अभी पेडागॉग को हम कह सकते हैं टीचर या स्कूल मास्टर भी, लेकिन थोड़ी हिस्ट्री पढ़ते हैं किस तरह से पेडागॉजी आई या पेडागॉग वर्ड आया। तो इसके लिए चलते हैं एंशियंट ग्रीक पीरियड में, जहाँ पे टीचिंग पहली बार इंट्रोड्यूस की गई और टीचिंग प्रोफेशन को समझा जाता था, या टीचिंग को समझा जाता था आर्ट फॉर्म। और ये जो आर्ट फॉर्म है, ये जो टीचिंग है, केवल और केवल लिमिटेड थी अमीर लोगों के लिए, राइट। अब हुआ क्या, ये तो सही है कि जो टीचर का रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर नॉलेज इम्पार्ट करता है, लेकिन जो टीचर था वो पहला पेडागॉग नहीं था, ठीक है। तो पहला पेडागॉग कौन था, तो अमीर लोग क्या करते थे, अमीर लोग स्लेव रखते थे, और स्लेव भी कैसे रखते थे, एक्सपीरियंस स्लेव रखते थे, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्लाटो ने पेडागॉग के बारे में क्या कहा है, प्लाटो ने कहा कि मैन हु हैव एक्सपीरियंस एंड एजेड आर क्वालिफाइड टू सर्व एज बोथ कस्टेडियंस एंड लीडर्स, कि ऐसे स्लेव रखते थे अमीर लोग जिनको एक्सपीरियंस हो या जिनकी एज हो, जो कि कस्टडी का भी काम कर सके उनके बच्चे के लिए, और उनके बच्चे को लीड भी कर सके, उनको अच्छी शिक्षा दे सके, उनको मोरल वे में या एकेडमिक वे में समझा सके, राइट। तो आप देखो कि स्लेव भी रखते थे तो एक्सपीरियंस वाले रखते थे। तो यहाँ पे भी वही बात है कि स्लेव एक्सपीरियंस थे और नॉलेज इम्पार्ट करते थे, कैसे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो बच्चे थे वो इन्हीं स्लेव के पास रहते थे और स्लेव ही इन्हें स्कूल तक ले जाते थे, राइट। तो बच्चा जब स्लेव के पास रह रहा है तो स्लेव का एक्सपीरियंस्ड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इन्हीं को पहला पेडागॉग कहा जाता है, इन्हीं स्लेव को, ओके। तो इस तरह से पेडागॉग वर्ड क्रिएट हुआ, जिसका मतलब है लीडर ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है, जो कि बच्चों को लीड कर रहा है। अब लीडर है तो उसमें कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, बेशक वो स्लेव हो। तो अमीर लोग इस तरह से स्लेव का चुनाव करते थे या सिलेक्शन करते थे। तो पेडागॉग करता क्या था, जो ये इंसान क्या करता था, एकेडमिकली उनको नॉलेज प्रोवाइड करता था और मोरल वे से भी उन्हें नॉलेज प्रोवाइड करता था, मतलब नैतिक शिक्षा भी प्रोवाइड करता था, और इसीलिए स्लेव का एक्सपीरियंस होना, नॉलेजेबल होना जरूरी था, राइट। तो इस तरह से ये पर्टिकुलर वर्ड आया और इसी से पेडागॉजी आई। तो पेडागॉजी को पढ़ते हैं, तो पेडागॉजी बेसिकली क्या है, आर्ट और साइंस ऑफ टीचिंग है। तो जिस तरह से हमें पता है ये पर्टिकुलर वर्ड आया है ग्रीक वर्ड से, पेडोस से, पेडोस का मतलब होता है चाइल्ड, और एगोगोस से, जिसका मतलब होता है लीडिंग, तो इसका पूरा मतलब हुआ लीड द चाइल्ड या लीडिंग द चाइल्ड, राइट। तो पेडागॉजी बेसिकली क्या है, आर्ट साइंस है कि किस तरह से हम अपने कंटेंट को, टीचिंग को प्रेजेंट करेंगे लर्नर्स के सामने, ताकि लर्नर को कोई दिक्कत ना हो, उनकी नीड के अकॉर्डिंग सब कुछ हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, ताकि बच्चे या लर्नर्स जो भी हैं नॉलेज गेन कर सकें, राइट। ये क्या है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस है एजुकेट करने की, इसीलिए
पेडागोजी को हम डिफाइन कर सकते हैं वे ऑफ टीचिंग द स्टूडेंट्स या लर्नर्स। ठीक है, पेडागोजी बेसिकली अगर सिंपल मीनिंग में समझो तो पढ़ाने का तरीका है कि किस तरह से आप नॉलेज इम्पार्ट करोगे, किस तरह से आप बच्चों को या लर्नर्स को पढ़ाओगे। जैसे प्राइमरी के लर्नर्स हैं उनके लिए अलग पेडागोजी है, डिफरेंट मेथड्स हैं। जो एडोलिसेंट स्टेज पे आ जाते हैं या टीनेज पे आ जाते हैं उनको पढ़ाने का तरीका अलग है, उनकी पेडागोजी अलग है। एडल्ट लर्नर्स की पेडागोजी अलग है जिसको कहते हैं एंड्रागोजी, राइट। तो पेडागोजी क्या है कि किस तरह से हम अपने लर्नर्स को सभी चीजें या नॉलेज इम्पार्ट किस तरह से करेंगे। ठीक है, सिंपली मीनिंग ये है। और अगर और आप टीचिंग प्रोफेशन में हो या टीचर ट्रेनिंग किसी भी फील्ड में कर रहे हो, मतलब बीएड एमएड डीएलएड या कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो, तो आपको पेडागोजी के बारे में पता होना चाहिए। पेडागोजी चेंज हो सकती है कब कब, कि बच्चों की नीड क्या है, उनकी साइकोलॉजिकल नीड क्या है, उनका एनवायरमेंट क्या है, उसके बेस पे भी हम डिसाइड करते हैं कि बच्चों को किस तरह से हम पढ़ाएंगे। उनके प्रीवियस नॉलेज के बेस पे भी हम डिसाइड करते हैं कि बच्चों को क्या पता है, किस तरह से मैं बच्चों को आगे की इन्फॉर्मेशन दूंगा, या फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है पर्टिकुलर एजुकेशनल प्रोग्राम का, उनके एम्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग भी पेडागोजी चेंज होती है। सो टीचर्स डिफरेंट टीचिंग मेथड्स या पेडागोजी यूज करते हैं ताकि जो डिलीवरी है कंटेंट की वो सबसे अच्छे से हो सके और बच्चों को मैक्सिमम रिजल्ट मिल सके, राइट। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा अच्छे से हो सके। देन पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ पेडागोजी कौन कौन सी होती है। तो ये होती हैं सोशल पेडागोजी, क्रिटिकल पेडागोजी, कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी एंड सोक्रेटिक पेडागोजी। तो इसमें मैं बात करूं तो सोशल पेडागोजी में क्या होता है, इसका एम होता है कि बच्चों में सोशल डेवलपमेंट, अवेयरनेस एंड वेलबींग। स्टूडेंट के जो एम है हमारा, वो एम होता है सोशल डेवलपमेंट का, अवेयरनेस का और बच्चों की वेलबींग का। ठीक है, इसमें हम वैल्यूज एंड मोरल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब शिक्षा में ऐसा नहीं होता कि केवल एक पेडागोजी को फॉलो किया जाता है, शिक्षा में हम मिक्सचर्स ऑफ पेडागोजी को फॉलो करते हैं, है ना। ये जरूर हो सकता है कि कोई पेडागोजी ज़्यादा हो, है ना, कोई पेडागोजी कम हो, कोई दूसरी टाइप कम हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि केवल और केवल एक मेथड से बच्चों को पढ़ाया जाता हो। देन बात आती है क्रिटिकल पेडागोजी की। क्रिटिकल पेडागोजी की बात करें तो ये दी थी पॉलो फ्रायरे ने। ठीक है, इसका वीडियो मैं कल परसों तक डाल दूंगा, काफ़ी रिनोन पर्सनैलिटी हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। तो ये बात करते थे क्रिटिकल पेडागोजी की, जिसमें हम समझते हैं चीज़ों को, डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या है उसको डीकंस्ट्रक्ट करते हैं और उन प्रॉब्लम्स एंड इशूज की का मतलब उन प्रॉब्लम्स एंड इशूज का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये भी एक पेडागोजी है कि बच्चों को इस तरह से भी पढ़ाना। देन कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी क्या होती है, जिसमें हम बच्चों के कल्चरल बैकग्राउंड को और ज़्यादा अच्छे से समझ के उन्हीं के अकॉर्डिंग कंटेंट को प्रोवाइड करते हैं। इसी से रिलेटेड एक टर्म भी है कल्चरल रिस्पॉन्सिव टीचिंग। उसमें टीचर क्या करता है, क्योंकि क्लासरूम में क्या है, अलग अलग तरह के बच्चे हैं, सभी का कल्चर डिफरेंट है, मतलब उनका बैकग्राउंड डिफरेंट है, तो टीचर सभी बच्चों से ये चाहता है कि सभी के कल्चर के अकॉर्डिंग पढ़ा सके। क्योंकि जब बच्चा ये देखता है कि स्कूल में भी वही चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर में है, जो मेरे एनवायरनमेंट में है, तो अपने आप को ज़्यादा कनेक्ट समझता है वो। ठीक है, ज़्यादा कनेक्टेड समझता है और नॉलेज इम्पार्ट करने में टीचर को आसानी होती है और एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने में आसानी होती है। तो ये है कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी। देन है सोक्रेटिक पेडागोजी, जो कि सोक्रेट ने मेथड दिया था, या इसमें प्रॉबिंग क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चंस के जरिए नॉलेज को एनहेंस किया जाता है, राइट। तो ये है टाइप्स ऑफ पेडागोजी। देन आती हैं अप्रोचेस क्या हैं पेडागोजी की, या आप कह सकते हो पेडागोजिकल अप्रोच। तो ये हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में क्या होता है, या कंस्ट्रक्टिविज्म कह सकते हो ना, हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। तो इसमें क्या होता है, नॉलेज या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं लर्नर्स को और ना लर्नर्स को सभी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं जिससे वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सके खुद से ही, राइट।
देन है कोलैबोरेटिव अप्रोच। कोलैबोरेटिव अप्रोच में क्या है, जैसे नाम में ही है, तो बच्चे कोलैबोरेट करते हैं ताकि वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकें, ये पैडागोजी ये कहती है। देन इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच, इंक्वायरी का मतलब होता है डिस्कवरी लर्निंग, तो इसमें हम बच्चों को एक्सप्लोर करने देते हैं, ठीक है, डिस्कवरी लर्निंग या इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच ब्रूनर ने दी थी। देन है इंटीग्रेटिव अप्रोच। इंटीग्रेटिव में क्या है, बच्चे को हम मदद करते हैं कि वो डिफरेंट सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं वो अपने कॉन्सेप्ट के साथ उसको रिलेट करके पढ़ें, ठीक है, दूसरे कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज को भी इंटीग्रेट करें, तो ये है इंटीग्रेटिव अप्रोच। देन है रिफ्लेक्टिव अप्रोच। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि हमने जो भी एक्शन किया फिर हम उसको इवेल्युएट करते हैं कि कहाँ पे गलती रह गई या क्या चीज़ें मैंने अच्छे से करी, या आप कह सकते हो कि लर्नर अपने आप को इवेल्युएट करता है। तो ये बेसिकली क्या है कि अपने एक्सपीरियंस से कैसे सीखा जाए, तो इस तरह के पैडागोजी में हम रिफ्लेक्शंस को एनकरेज करते हैं ताकि हम अपनी गलतियों से और अपनी मतलब वीकनेस से और अपनी स्ट्रेंथ से भी सीख सकें, राइट। तो ये है पैडागोजिकल अप्रोच, ये पांच तरह की होती हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, कोलैबोरेटिव अप्रोच, इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच, इंटीग्रेटिव अप्रोच, रिफ्लेक्टिव अप्रोच। तो ये पांच चीज़ें याद रखना। देन लास्ट में हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस क्या है पैडागोजी की। तो देखो पैडागोजी से क्या होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एनहेंस हो जाती है, क्योंकि एक पैडागोजिक बहुत रिसर्च के जरिए कंस्ट्रक्ट हुई हैं या बनी हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पैडागोजी, डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोचेस। तो जब हम उसको यूज करते हैं तो क्वालिटी एनहेंस होती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, राइट। देन है हमें पता चलता है कि लर्नर्स की नीड क्या है और उन नीड्स को देखते हुए हम उसी तरह की पैडागोजी, उसी तरह का टीचिंग मेथड या मॉडल्स या जो भी पैडागोजी के अंदर आता है वो यूज करेंगे ताकि बच्चों को या लर्नर्स को सबसे मतलब उनको हेल्प मिल सके। देन हम डिफरेंट पैडागोजी यूज करते हैं ताकि हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्नर्स की लर्निंग को एनहेंस कर सके, क्योंकि क्लासरूम में क्या होता है, अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे अलग तरीके से समझते हैं, कुछ बच्चे अलग तरीके से समझते हैं, तो हम बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग डिफरेंट काइंड ऑफ पैडागोजी यूज करते हैं, डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट मॉडल्स या डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। सभी कुछ किस में आता है, पैडागोजी के अंडर ही आता है। इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन एनहेंस होता है स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में, क्योंकि हमें पता है डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करने पड़ते हैं लर्निंग में। तो जब हम पैडागोजी को यूज करते हैं तो हम चाहते हैं कि कम्युनिकेशन एनहेंस हो, जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन एनहेंस होगा, डिस्कशन होगा, लर्निंग भी उतने अच्छे से होगी, ठीक है, टू वे प्रोसेस हो जाएगा, एक्टिव लर्निंग हो जाएगी। देन हमें पैडागोजी प्रोवाइड करती है एक प्लानिंग ताकि हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ा सके, है ना। सपोज हमें दूसरी कंट्री में जाना होता है तो हम एयरप्लेन का यूज करते हैं ना, एरोप्लेन का यूज करते हैं, हमें पास में जाना होता है या बाइक्स, कार्स या बसेस का यूज करते हैं, तो वो क्या है, एक मोड है। इसी तरह से जब हमें पता है हमारे ऑब्जेक्टिव या गोल्स अलग अलग हैं तो हम उसी तरह से अपने मीन्स को यूज करेंगे, अपनी पैडागोजी को यूज करेंगे उनको कंप्लीट करने के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए। देन है कि हम डिफरेंट टाइप्स यूज कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोचेस यूज करते हैं जो कि लर्नर्स को सूट करती हो, है ना। आजकल क्या है, ब्लेंडेड लर्निंग बहुत नाम सुना है, तो ब्लेंडेड लर्निंग इज ए टाइप ऑफ पैडागोजी, नई लर्निंग पैडागोजी है। इसी तरह से ICT का यूज भी किया है, पैडागोजी के अंदर ही आता है, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है और बच्चे ICT टूल्स के जरिए पढ़ना चाहते हैं, इंट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो वो भी क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ पैडागोजी है। देन हम जो भी बेस्ट प्रैक्टिस है, जो भी बेस्ट पैडागोजी है लर्नर्स के लिए, उसको चूज करते हैं जिससे लर्निंग एनहेंस होती है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हम लर्निंग को प्लान कर सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ पैडागोजी जो हमारे पास है, डिफरेंट अप्रोचेस जो हैं उनको यूज करके हम लर्निंग को एनहेंस कर सकते हैं। बाकी आपको कोई और पॉइंट लगे इंपॉर्टेंस का तो आप लिख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था, लेकिन लर्निंग ख़त्म नहीं होती, है ना। टीचर का काम होता है एक आइडिया प्रोवाइड करना, एक ओवरव्यू प्रोवाइड करना, पढ़ने के लिए पूरी दुनिया ही है आपके पास, ठीक है।
तो ये कुछ रेफरेंसेस हैं, इनको जाके प्लीज आप पढ़ना, काफी अच्छे रेफरेंसेस हैं। मैं इनका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इनको और ज्यादा अच्छे आप इनको क्लिक करके, लिंक पे क्लिक करके आप इन पैडागोजी के बारे में और ज्यादा पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपकी कोई भी क्वेरी है, सजेशन है, तो आप प्लीज प्रोवाइड कर सकते हो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।